ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ। इस मैच में 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 5वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने 2 बड़े झटके दे दिए। उन्होंने विराट कोहली को 4 रन और सूर्य कुमार यादव 0 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं इससे पहले मार्कस स्टोइनिस से शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन को 2वें ओवर की आखिरी गेंद पर 3 रन के निजी स्कोर पर LBW कर पवेलियन की राह दिखा दी। बाएं हाथ के तेज गेंद बाद स्टार्क ने 5वें ओवर की 4थी गेंद इनस्विंग डाली और कोहली ने फ्लिक करने की कोशिश की और गेंद सीधे जाकर उनके फ्रंट पैड पर लगी और अंपायर ने आउट भी दे दिया। कोहली को पता था कि वो स्टंप्स की लाइन में है, इसलिए उन्होंने DRS नहीं लिया। ये वनडे में पहली बार है जब स्टार्क ने कोहली को आउट किया है। इसके बाद स्टार्क ने अगली ही गेंद पर एक और इनस्विंग गेंद डाली जिसे खेलने में सूर्या पूरी तरह से चूक गए और गेंद सीधे पैड पर जाकर लगी, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने DRS लिया और फैसला उनके पक्ष में गया।